हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल पीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बैच 2023 से 2024 बिहार जीके चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, मैं बिहार जीके का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर लगा है वस्तुनिष्ठ सामान्य बुक के। यूथ कॉम्पिटिशन टाइप्स, क्या क्वेश्चन है? यूथ बुक का नाम है यूथ कॉम्पिटिशन टाइप, क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 2023 से 24 तक का, बिहार से संबंधित है। समान परिचय, इतिहास में भौगोलिक संरचना, कृषि एवं पशुपालन, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक नियोजन, आर्थिक समीक्षा, बजट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख परिवहन एवं संचार, जनगणना, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य पत्रिका। बिहार राज्य की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए राज्य आधारित प्रश्नों के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन। तो बिहार समान अध्ययन लेके मैं ले आया हूँ सॉल्व पेपर युद्ध प्रकाशन का। चलिए, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहूँ, एक बार सेशन को जोर से शेयर कर दिए और सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिहार समान परिचय, तो चलिए बिहार समीना समान परिचय में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। तो देखिए, कौन फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बिहार का पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो देखिए, इसका देख लेते हैं। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक सीमा 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर 3रा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य है? 3रा। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो देखिए, क्या मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो 9 जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला 9 जिलों से सीमाबद्ध है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ? ये हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो जिला है नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, सीमा जो है साझा नहीं करता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। अब चलिए देखिए, बिहार के पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24-27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का 12वां बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड। इसे बिहार की उत्तर सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार में पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमाएँ नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से नहीं लगती है। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। तो देखिए, अगला को इसका देख लेंगे डिफिनेशन। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। क्या हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना में है। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड। उल्लेखनीय है, प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा था। बौद्ध मठ बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है। मतलब बिहार का द्वितीय भाषा के राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। तो इसका विश्लेषण देखेंगे। बिहार में हिंदी भाषा
शैक्षणिक आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना था? बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य बना था नवंबर 2000 में। कितना ईस्वी में? 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार जो है झारखंड से, झारखंड राज्य का नाम 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी रांची है। इस झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। संपूर्ण प्रदेश जो छोटा नागपुर पठार में अवस्थित। नेक्स्ट है, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो इसका आंसर देखिए, एक ऑप्शन क्या है, भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया का। क्या आप लोग आंसर बताएंगे इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा देखिए कटिहार। कौन सा हो जाएगा? कटिहार। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य में सबसे बड़ा शहर है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं। कितना जिला है? 38 जिला है बिहार राज्य में, 38 जिला है। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, जबकि क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा जिला शिवहर है। बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, छोटा जिला शिवहर। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्य संख्या 75 होता है। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितना है? बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। कितना है प्रमंडल बिहार में? 9 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारी के कार्यों का परीक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों को कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका होते हैं। जिलों की संख्या, जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा 3 प्रमंडल है। तिरहुत 6 जिले हैं, मुंगेर में 6 जिले, पटना में 6 जिले। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे पाटलिपुत्र के संस्थापक? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। उदयन हो जाएंगे। तो इसका व्याख्या देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए क्या है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित है। महागढ़ जातक ने वैशालियों को एक धनी समृद्धिशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी चौधरी संघ में प्रमुख था। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी को क्या है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? तो पंचम है। क्या हो जाएगा? पंचम हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पांचवीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य आता है। इसकी सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2-4। दोनों बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है
और बिहार के पास गुणात्मक ढांचागत सुविधाओं तथा वर्णकूल वातावरण का अभाव है। तो बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करते हैं, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रता में स्थित है। बिहार के पास गुणवत्ता ढांचागत सुविधा और व्यापकगत वातावरण का अभाव। हाल ही में नीति आयोग द्वारा बहुयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार के देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल मिला जिला कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर शेखपुरा हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा है। चूँकि विकल्प में शिवहर या अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल जिला हो जाएगा। लेकिन ऐसा आंसर कौन सा हो जाएगा? शिवहर। लेकिन शिवहर नहीं होने के कारण आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि में भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का बिहार में क्रम क्या है? इसका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्र दृष्टि बिहार का 12वां स्थान था। कितना होना चाहिए? 12वां। जब वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। कितना राज्य? 13वां राज्य। बिहार के कुल जनसंख्या क्षेत्रफल 94,163.0 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत कुल क्षेत्रफल 2.86% है। झारखंड बिहार कब पृथक हुआ था? झारखंड पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ है बोध मठ। क्या हो जाएगा? इसका मूल शब्द बोध मठ हो जाएगा। तो बिहार शब्द बिहार से बना है। बिहार शब्द बिहार से बना। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र की बोध मठों की एकता कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले? इसका आंसर हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान में बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की संख्या 38 हो गई थी। नवीनतम जिला अरवल है, जो कि जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया था। लोकसभा सीट 40 तथा राज्यसभा सीट 16 है। विधानसभा सीटें 247 और विधान परिषद सीटें 75। क्षेत्रफल में 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या दृष्टि से देश में तीसरा और क्षेत्रफल दृष्टि से 13वां स्थान है। पटना नेक्स्ट है। पटना महानगर पालिकाओं की वार्डों की संख्या कितनी? पटना में महानगर पालिकाओं की संख्या 57 है। कितना है? 57। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। तो प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या 57 थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई। कितनी हो गई? वर्तमान में 75 हो गई। पटना नगर निगम पटना शहर के स्थानीय शहरी शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर और 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नगरीय प्रशासनिक निकाय 108.87 किलोमीटर के क्षेत्रफल का प्रशासन करता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र डाक क्षेत्र के अंतर्गत डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई। तो भारत में 9 पिन क्षेत्र है, जिसमें पिन क्षेत्र में 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित कर। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड होता है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन 3 जिले पश्चिमी बंगाल सीमा पर स्थित है? बिहार का कौन सा जिला बिहार में कौन सा 3 जिला जो पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। क्या आंसर हो जाएंगे? तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज हो जाएंगे। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, में पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया तथा किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा में स्थित 3 राज्य है। कौन सा? बिहार में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिमी सीमा 3 स्थित राज्य है। उल्लेखनीय कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड में भी लगी हुई है। बिहार के 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। बिहार के कौन से जिले 2 जिले जो झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा।
झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं? 8 जिले। कितना बनाते हैं? 8 जिले बनाते हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उपयुक्त दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार में के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? बिहार का निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा गया। कौन सा हो जाएगा? गया हो जाएगा। पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है तथा गया जिले का क्षेत्रफल 4078 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा जिले का क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर, समस्तीपुर का 1905 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? गया हो जाएगा। पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल अवस्थित है कहाँ पर? तो पट अंचल अवस्थित है झारखंड में। कहाँ? झारखंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठार प्रदेश में अवस्थित, रांची पट के पठार पर अवस्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है। बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में देखिए, धनबाद, नालंदा, पटना, रांची। तो प्रश्न काल के समय रांची अब झारखंड से मानसिक रोग अनुवांशिक संस्थान भी स्थित है। रांची में जो है मानसिक रोग अनुसंधान, रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिप्टन इरिगेशन कॉरपोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्थित है। राज्य सरकार यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना। यहाँ एक पुरातन संग्रहालय थी पटना, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पी नगरी या कुसुमपुर कहलाता है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश मौर्यवंश की नींव डाली थी। क्या डाली थी? यहीं पर मौर्यवंश की नींव डाली थी। तो प्रश्न काल के समय रांची अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधित है। तो पहले कहाँ था? तो अब क्या बिहार में कहीं है या नहीं है। सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा नगर आपका पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पटना। बिहार में जनसंख्या आधार पटना सबसे बड़ा नगर है, जिसकी आबादी 16,84,222 है। जमशेदपुर की लगभग 13,37,37,131 है। धनबाद का 11,95,298, रांची का 11,26,741। देश की कुल जनसंख्या बिहार के हिस्से का 8.6%, परंतु देश की शहरी आबादी बिहार के हिस्से 3.1% है। जनगणना 2001 आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या का 88.7% तथा ग्रामीण 11.3% नगरीय है। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार के जिलों की कुल संख्या कितनी थी? सन 1995 की समाप्ति बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 55 थी। कितना था बिहार में समाप्ति? बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। वर्ष 1995 की समाप्ति बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। 2001-2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य में अंग हो गए। वर्तमान में 2019 बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 1951 में 18 जिले थे और 1981 में 31 जिले और 1951 में 55 जिले थे। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार में लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। तो प्रश्न काल के दौरान अभिभाजित बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर, परंतु विभाजन के पश्चात राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम अवरोही क्रम है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। बिहार राज्य अवस्थित है जिन निम्न देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व से 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। उन्नीस सौ बयालीस में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में रखा गया था ये हो जाएंगे हजारीबाग जेल। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा इसका आंसर हजारीबाग जेल। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग जेल। 1942 में भारत छोड़ आंदोलन से जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गया। उल्लेखनीय है कि जय वर्तमान झारखंड का एक जिला है।
और सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर नरमे गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने 1675 में गुरु बने। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ किया था। ये सिखों के दसवीं एवं अंतिम गुरु थे। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? ये हो जाएगा आपका आंसर अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कितना हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेघनास्तिज का भारत आगमन 305 ईस्वी में हुआ था। और अशोक का राज्यभिषेक 277 ईस्वी में हुआ था। अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ था। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? क्वेश्चन क्या है? आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ताजा दस्ता चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यकाल खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारी में प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दास्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। नेक्स्ट, मगध शासक बेमिसार का चिकित्सक कौन था? क्वेश्चन क्या है? मगध शासक बेमिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये हो जाएगा जीवक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जीवक हो जाएगा। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। तो मगध शासक बेमिसार का चिकित्सक जीवक था। यह श्लावली नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में अनेक चिकित्सा ज्ञान का व्यवहार प्रशंसा मिले। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय अध्ययन किया तथा आयुर्वेदिक चार्ज की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बेमिसार तथा उज्जैन नरेश पुरोनोत की इलाज किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापन हो जाएंगे इवन इवन बख्तियार खिलजी। कौन हो जाएंगे? इवन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तो बिहार में तुर्क सत्ता के स्थान वास्तविक श्रेय इवन बतूता बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक मोहम्मद मलिक हसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी बिहार के वर्णनासा नदी के पूर्व और सैनिक अभियान किया था। उस समय वहां पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता अनंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। 1198 ईस्वी में संपूर्ण बख्तियार खिलजी एवं की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार किया, मगर व्यवहार में वह अपने विजित जैसेरों का शासक बना। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर, बीपी मंडल। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएंगे बिहार के कौन सा हो जाएंगे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान संशोधन मॉन्टेग्यू चेम्बर्स प्रस्ताव के आधार बने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लाइन्स में पारित किया गया था। हाउस ऑफ लाइन्स वर्ष 1920 में इन्होंने बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन ने इस पद पर आसीन होने के वाले पहले भारतीय थे। बिहार का चोरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1798 में। कब हुआ था? 1798। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। तो बिहार का चोरी विद्रोह वर्ष 1795 से 1800 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध जुआड़ विद्रोह से सर क्या जुआड़ी वर्ष 1798 दुर्जन सिंह और लाल सिंह ने तीन विद्रोह चरम था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। इस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। उड़ीसा से 1936 में। कब किया गया था? 1936 में। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एक उड़ीसा प्रांत को बनाया बंगाल से अलग कर दिया गया। बंगाल से अलग कर दिया गया था। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया था। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति? गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। किसको? गौतम बुद्ध। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुगनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया। अंत में उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था।
बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाबलिष्क्रमण कहा गया। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे नीरा नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित किसने किए थे? तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का शाखा रामानंद सिंह, सतीश झा, सचिनानंद सन्याल, विपिन झा। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इसका आंसर? सचिंद्रनाथ सन्याल। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल के, इसका प्रमुख गतिविधियों की जगह जगह शाखाओं के माध्यम नवयुवकों को एकत्र करना, इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वो अंग्रेज को डटकर मुकाबला कर, इनकी गुप्त योजनाओं बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारी की हत्या करना। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। क्या आंसर हो जाएगा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपके हो जाएंगे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का संगठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ कई सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरुद्ध कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता था। 1934 में पटना के अमजुन इस्लामिया हाल में बिहार समाजवादी पार्टी का औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। सिरसा का मकबरा कहाँ था? सिरसा का मकबरा जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे? सासाराम में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सासाराम। ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। सिरसा का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में है। यह मकबरा भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें वास्तुकला मीर मोहम्मद अलीबान द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणी मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य निर्मित है। मेन सूफी संत सेबुद्दीन सही यह मेरी नाम से जुड़ा हुआ है। महावीर के स्वामी महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। प्रथम बोध संगीति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम बोध संगीति का अध्यक्ष हो जाएंगे इसका वसुमित्र महाकश्यप संरक्षक पार्षद। तो प्रथम बोधि संगीति के संरक्षक देखिए क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महाकश्यप। बौद्ध धर्म के विकास में कुल 4 बोध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम 483 राजगिरी और स्थान कहाँ था? राजगिरी। दूसरा अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बौद्ध संगीति 383 वैशाली सुकाम्बी सुकाम्बी कलाशोक, उसका तृतीय 347 ईसापुर पाटलिपुत्र मतलब अशोक चतुर्थ हो गया था। प्रथम ईस्वी कुंडलवन वसुमित्र उपाध्याय कनिष्क है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को से लखनऊ में भेंट की। क्या किए? चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण लखनऊ में भेंट किया, उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। यहाँ नील की खेतों में काम करने वाले किसानों को यूरोपियन बगान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसान को 1 बीघा जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उन्हें बगान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इन्हें इसे तिनकटिया पद्धति कहा जाता है। NG रंगा ने महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविनाथ टैगोर चंपारण के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। 1917 इसमें चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित नहीं है? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन हो जाएंगे? राम मनोहर लोहिया। क्या आंसर हो जाएगा? राम मनोहर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह मनोहर लोहिया संबंधित नहीं, जबकि डॉक्टर राजन लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से है तथा उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री चोकबंदा। राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तक। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सहयोगी से रूप राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपा ने, महादेव देसाई, मजूर हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। 1857 के विद्रोह के एक कुंवर नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित था? 1857 विद्रोह के कुंवर सिंह नेता जो थे ये आपके जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जगदीशपुर, जो कि ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे।
तो 1857 विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहजहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले में जगदीशपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिक द्वारा किया गया था। झांसी के विद्रोह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन सा हजारीबाग जिले में प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा हजारीबाग जिले से हुआ था? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या आंसर हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दास्ता गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन अध्यक्षता कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन अध्यक्षता कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा? चित्तरंजन दास हो जाएगा। इसका आंसर चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाए गए प्रश्नों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन को की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 में के गया कांग्रेस अधिवेशन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार सेंट्रल कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में। इस अधिवेशन का अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय ने नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के चिरान नामक पुरासत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? बिहार का चिरान नामक पुरासत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। क्या हो जाएगा? नवपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चित्रान सारण जिलों का सबसे महत्वपूर्ण पुरातन स्थल है। चिरात के नव सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ हड्डियों के औजार का आयोजन पाया। बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना किया था? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। 6 और 7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना। इस मिशन में गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया गया था। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन मुख्य किसके विरोधी में था? चंपारण आंदोलन मुख्य किसके विरोधी में था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, नकली फसल का। क्या हो जाएगा? नकली नकदी फसल। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध हो गए थे। वहां पर खेती करने वाले किसानों को बहुत अत्याचार हुआ था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नीलकृष्णों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और गांधी ने तीनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858। क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल 1858। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। कुंवर सिंह 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कितना हुआ था? 22 अप्रैल 1858। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना हुई थी 1912 में। कब हुआ था बिहार की स्थापना? 1912। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। कहाँ रखा गया था? पटना। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में क्या कहते बांकीपुर पटना। आगे चलकर बिहार के गया 1912 में सी आर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया 1 जनवरी 1923 को। बिहार में तीनकठिया की में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? भूमि का कितना? तो 3/20 हो जाएगा। कितना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3/20। कितना है? 3/20। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में
इंडिगो के किसानों के दशा और गांधी जी को ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो ये किए थे राजकुमार सिंह ने। कौन किए थे? राजकुमार सिंह। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। स्वामी शाहजहां किससे संबंधित? स्वामी शाहजहां जो है आपसे किससे संबंधित? बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। तो स्वामी शाहजहां बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्य का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिला। किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवा का उन्हें किसान प्राण कहा जाता है। स्वामी शाहजहां 1930 दशक किसान सभा का आंदोलन से जुड़े थे। बिहार में 1897 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1897 विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? ये किए थे कुंवर सिंह ने। कौन किया था? कुंवर सिंह। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? कुंवर सिंह। तो कौन किए थे? कुंवर सिंह। तो बिहार 18 विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कहाँ से हुआ? जगदीशपुर। कुंवर सिंह राजपूतों का उज्जैन शाखा थे। 80 वर्ष की अवस्था में 1800 विद्रोह में भाग लिया था। उन्होंने बिहार का सिंह कहा जाता है। वर्ष 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? 1632 में। देखिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हो जाएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। कौन सा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तो डच ईस्ट कंपनी नीदरलैंड की व्यापारी कंपनी जिसकी स्थापना 1602 में किया गया था। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में। नेक्स्ट प्राचीनतम महानतम में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीनतम महानतम मगध की प्रथम राजधानी क्या हो जाएगा? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? राजगिरी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, या ग्रीवरिज हो जाएगा। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। क्या था? मगध साम्राज्य का शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों से अलग अलग पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला राजवंश विरिधवंश था। इस वंश में के पहले राजा विरिदत्त का पुत्र जरासंघ था। जरासंघ ने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया था। बौद्ध ग्रंथ अनुसार मगध का प्रथम शासक बिम्बिसार था। यह हरियक वंश संबंधित था। बिम्बिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ था। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अगंतुक निकाय जैन शब्द से है। अशोक के प्रवस्तर अभिलेख में प्रतीक है। अशोक के प्रवस्तर अभिलेख में प्रतीक यदि हो जाएगा आपका क्या आंसर? प्रशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशासन। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। कब हुआ था? 1927। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। बिहार में किसान के किस आंदोलन के चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन के चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? ये हो जाएगा सविनय बंदोलन। कौन सा हो जाएगा? सविनय बंदोलन। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। तो बिहार किसानों सविनय आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। इसमें 5 थाने सुजोली, गोविंदगढ़, ढाका, जोगापट्टी और मझाले इसमें प्रभावित थे। शाहबाद के चुगान यूनियन में सरपंच एक दफादार छोक चौकीदार ने त्यागपत्र दिया था। किसान क्या क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखे थे? ये लिखे थे स्वामी शाहजहां सरस्वती ने। कौन लिखा? स्वामी शाहजहां सरस्वती। ऑप्शन आपके ही हो जाएंगे। तो स्वामी शाहजहां सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु 1950 में पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की। इसके द्वारा लिखित पुस्तक कर्म कलाप गीता हृदय क्रांति संयुक्त मोर्चा किसान कैसे लड़ते हैं किसान क्या करें झारखंड के किसान मेरा जीवन संघर्ष। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे आर एन मधुलकर। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां सम्मेलन का अध्यक्ष आरएन मधुलकर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन सी आर दास ने। कौन किया था? सी आर दास। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए थे? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार में नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन आपके ये करेक्ट हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में लखनऊ अधिवेशन राजकुमार शुक्ल ने बिहार में नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। मरवा गाँव के निवासी राजकुमार शुक्ल ने। कौन गाँव के थे? मुरली महरवा। मुरली
मरहबा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 पटना पहुंचे, 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी पहुंचे थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाए गए अस्थूल भद्र थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अस्थूल भद्र, ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। अस्थूल भद्र प्रथम जैन संगीत अध्यक्षता की थी जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म में 12 अंगों का संकलन किया, परंतु भद्रबाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय में हो गया। अस्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जबकि भद्रबाहु का नाम दिगंबर कहलाए। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानित किया? कौन सा शासक था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदयन हो जाएगा। उदयन हो जाएगा। हरियक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उदयन गंगा नदी और गंगा और सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र में कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की, तथा राजगिरी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 का नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 विद्रोह का नेतृत्व शाहबाद जिले में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई। 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हुई तथा उनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन में स्वामी विवेकानंद किए थे। कौन किया था? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन द्वारा स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में बिहार में कृषकों के जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। 1920 में कलकत्ता के विशेष अध्यक्ष लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अंतिम रूप पारित हुआ था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले सच्चिदानंद सिन्हा को नाम सर्वोपरि, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष किया था? 1632 में। कब किया था? 1632। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किए थे श्री कृष्ण सिंह ने। कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा। कौन किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो बिहार दिवस का महत्व है? चलिए इसका देखते हैं व्याख्या क्या है इसका आंसर। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बना गया था। कब बना था? औपनिवेशिक शासन के दौरान 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी अलग प्रांत बना गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। कौन किया था? महादेव लाल सराफ ने, ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तो कब किए थे? 1930 में किए थे। कब किए थे? 1930 में। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1939 में अंबारी राहुल संकीर्तियानंद ने किया था। राहुल संकीर्तियानंद, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पंडित राहुल संकीर्तियानंद हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने बिहार के अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। राहुल संकीर्तियानंद को भारतीय यात्रा वृतांत साहित्य का जनक माना जाता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन गए। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन थे। इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, नालंदा। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर में निर्वासन करने पर उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें दफनाया। 1919 से 20 में दरभंगा 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? दरभंगा किसान आंदोलन बाबू रामोदयाल सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू कृष्ण सिंह, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद 1920 से 1919 दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा केंद्रित है। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिला तक हो गया था। दरभंगा के महाराजा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त कर लिए गए। एक प्रतिभावी प्रांतीय सभा का गठन 1922 में किया गया था। बिहार में 1857 का नेतृत्व कौन किया था, बिहार नेता कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था, कुंवर सिंह, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कोटिल डैश का प्रधानमंत्री था, कोटिल किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य, किसका हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। कोटिल चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात था। वो किसके नाम, विष्णु, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीतिक अर्थशास्त्र, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र समाज पर माना जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस पर किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने किस कर का विरोध किया था, यह किया था चौकीदारी, कौन सा हो जाएगा, चौकीदारी, ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर्ण आंदोलन का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट पर होने कारण नमक सत्याग्रह, समुद्र तट न होने कारण नमक सत्याग्रह में स्थान नहीं था। था भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर्ण अदा करने का आंदोलन चला। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। फरवरी 1938 बिहार में चुनी गई कारण ये हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का इस्तीफा दिया था। किसको, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का इस्तीफा दिया था। जबकि 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने भारतीय विधान परिषद मंडल की समिति को बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था देश में आपातकाल की घोषणा कर, जिसके विरुद्ध 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल में त्यागपत्र देते हुए मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बिहार किसान सभा में कौन सा जुड़ा था, बिहार स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में और पंडित यदुनाथ शर्मा 1933 स्वामी सहजानंद संपर्क माने से किसान सभा में जुड़े थे। एक प्रांतीय राज्य के रूप में बिहार का बना था, प्रांतीय राज्य 1936 में हुआ था। एक प्रांत के रूप में बंगाल अलग से होकर बिहार 22 अप्रैल 1936। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब अस्वीकार किया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1885, ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे, कौन सा आ जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएंगे। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ था। 1912 में जब बंगाल बिहार से अलग हुआ तब इसने एक एक्ट का वह अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची में धारा 196 धारा 1 इस एक्ट को बनाने का मुख्य जमींदार काश्तकार को भूमि संबंध पर अधिकारों को प्रख्यात करना, लैंड और टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र देश बना था। बिहार कब भारत का स्वतंत्र, 1912 में कब बना था, 1912 में 1 अप्रैल 1912, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में, कब हुआ था 1931, ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1800 विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में किस जगह से, आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आरा में, कहाँ पर हुआ था, आरा में हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, किस आदिवासियों ने बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच, भागलपुर राजमहल बहुत क्षेत्र दामन या कोह में विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कानून नामक दो भाइयों ने किया था। सिंधु के जनजातियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह का काड़ीवाल क्षेत्र भी हुआ था, कहाँ हुआ था, काड़ीवाल। भगवान बुद्ध ने के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध सभागति कहाँ हुई थी, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद यह हुआ था राजगिरी, राजगिरी में, कहाँ हुआ था, राजगिरी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। यह संगीत आजाद शत्रुघ्न शासन का महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। बुद्ध के उपदेशों दो पीठ को विनय पीठक और शोध पीठक में बांटा। इस संगीतों में प्राय धम्म संगति भी कहा जाता है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन गया हुआ था, कहाँ हुआ था, गया में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एम के द्वारा बंबई में इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29वां अधिवेशन कौन सा अधिवेशन, 29वां अधिवेशन 1922 में बिहार राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास हुए थे। अत्यंत बिहार के राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था 1922 में।
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संस्कृति कहाँ हुई थी? वही राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी। ऑप्शन आपका है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण क्या था? बिहार के तो पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा तबकात ए नासिरो। तबकात ए नासिरो ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा तबकात ए नासिरो, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी चंपारण पधारने में एक सुमी वर्षगांठ 2017 में किस महीने की थी? गांधी जी के चंपारण पधारने वर्षगांठ एक किया गया था अप्रैल में। कौन सा हो जाएगा? अप्रैल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? चौकीदारी 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। क्या आंसर हो जाएगा? 1930। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 1930 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 2010। क्या हो जाएगा? 2009 से 2010। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 74 का, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे प्रधानमंत्री? मोहम्मद यूनुस थे। 1935 में ब्रिटिश पंजाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन द्वारा राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? राखी बंधन दिवस दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सारण। कौन सा हो जाएगा? सारण। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुआ था? जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में। कब हुआ था? 1929। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का कौन कहता है? सैयद इमदाम अली। क्या हो जाएगा? सैयद इमदाम अली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? कौन सा हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड। कौन जाएगा? द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था? 1929। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पटना लॉयन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉयन का ई हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1900 बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1928 में आयोजित हुआ। इसमें गांधी जी का मैदान पड़ा था। इसमें पटना का 16वीं सदी में शेरशाह सूरी की आधुनिक पटना स्थापित हुआ। कब हुआ था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है पटना 1913 अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन किया? सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? 1922-23 में हो जाएगा मुंगेर में कृष्ण मोहम्मद जुबेर एवं कृष्ण स्वामी ने किया था। मोहम्मद जुबेर एवं कृष्ण स्वामी ने किया था। 4 मार्च 1928 स्वामी सहजानंद ने बिस्टा में किसान सभा का औपचारिक स्थापना किया था। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय हुआ था। 1934 से बिहार बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार के किस वकील ने अशोक आंदोलन में अपनी लापरवाह वकालत छोड़ दिया था? बिहार के किस वकील ने अशोक आंदोलन में अपनी लापरवाह वकालत छोड़ दिया था? यह होता राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 के दौरान बिहार का यह हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी अपेक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा 20 दिन बचे थे? ये छोड़े थे जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों का शोषण? यह हो जाएगा राजकुमार सिंह। क्या हो जाएगा? राजकुमार सिंह। ऑप्शन आपका डी बी हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता थे बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नालंदा बिहार का विध्वंस क्या क्या था? नालंदा बिहार का विध्वंस किए थे बख्तियार खिलजी ने। कौन किया था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आनंदपुर शिक्षा केंद्र में किस राज्य में अवस्थित है? आनंदपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में हो जाएगा? बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर में वजीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजीज। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय बोध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बोध परिषद हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशाली। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। यह 26 जून 1539 को शेरखां और हुमायूं के बीच हुआ था। कब? 26 जून 1539 को। इस युद्ध में शेरखां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था ह्वेनसांग ने। कौन किया था? ह्वेनसांग ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ह्वेनसांग शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल को बाद 629 चीन वह चीन से 629 में चला था और नालंदा में बौद्ध विद्यालय पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य आया था। उसने अपना ग्रंथ सीक्यू के नाम से भी लिखा है। ह्वेनसांग के यात्रियों को राजकुमार तथा वर्तमान में शाकमुनि कहा जाता है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे सहजानंद सरस्वती ने। कौन किया था? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैं बताना कौन बिहार का किसान नेता थे? कौन बिहार किसान नेता? तो ऑप्शन हो जाएगा केवल स्वामी सहजानंद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 1857 दरभंगा डुमरा और हड़वा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी या उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी 20 और 22 में। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाए। इसका आंसर अंग्रेज को हारने का तरीका पता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? कौन किया था? चंपारण। कौन सा हो जाएगा? चंपारण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1930 में क्या? स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुंवर सिंह के राजा थे। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के। कहाँ हो जाएगा? जगदीशपुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसके प्रांतों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रांतों से हो जाएगा? दीप नारायण सिंह। क्या हो जाएगा? इसका आंसर दीप नारायण सिंह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तृतीय बोध सभा किस स्थान पर बोला है? तृतीय बोध सभा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? राजगिरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हरियक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हरियक। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हरियक। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? यह हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन सफल रहा? महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त किया गया था? बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त किया था 1850 में। कब? 1950। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था क्या है? बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है पटना नगर। क्या हो जाएगा? पटना नगर। ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? बिहार किस क्षेत्र से? ये हो जाएगा आरा। क्या हो जाएगा? आरा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? सलीम फरीद रहीम मुरीद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए तो शेरखां का बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मुंगेर में किसकी राजधानी? मुंगेर मीर कासिम की राजधानी। किसकी राजधानी? मीर कासिम की राजधानी कहाँ है? मुंगेर है। कहाँ है? मुंगेर।
गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें, इनका जन्म 22 दिसंबर 1800 पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी देवी था। कौन था? गुजरी देवी। माता का नाम कब था? गुजरी देवी। 1600 वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। बक्सर का युद्ध किस युद्ध में, बक्सर का युद्ध किस किस बीच में लड़ा गया था? बस मीर कासिम और अंग्रेज के, किसके किसके बीच? मीर कासिम और अंग्रेज। ऑप्शन आपके ये करेक्ट हो जाएंगे। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो नवाब शाहउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। बंगाल नवाब मीर कासिम के सैनिक सेनापति हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के मध्य हुआ था। पटना के लेकर बक्सर में इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुआ। भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। बताने, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुआ था महावीर की मृत्यु? तो पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी में हो जाएगा। तो महावीर स्वामी जन्म 24वें और अंतिम तीर्थकर रूप में, इनका जन्म 500 साल पूर्ण कलम वैशाली में हुआ था। 72 उसके आयु में निर्वाण प्राप्ति किया था। कहाँ? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में। कहाँ? नेपाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बेमिसार किस वंश का राजा था? तो बेमिसार जो था हरियक वंश का। किसका हो जाएगा? हरियक वंश। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियक। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? भारत में गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। कब? 1917। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अशोक किस राजवंश संबंधित था? अशोक जो था आपका किस राजवंश से था? अशोक मौर्य वंश से था। कौन सा? मौर्य वंश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नव नालंदा बिहार महाविहार किसके विख्यात था? नव नालंदा अशोक 229 मगध की राजधानी में। कब बना था? 200 अशोक कितना ईस्वी में गद्दी पर? 269 ईस्वी में। नव नालंदा बिहार किसके लिए प्रख्यात था? नव नालंदा जो था ये आपका पाली अनुसंधान संस्था, पाली अनुसंधान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी क्या है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ईसापुर 36 का प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ पे है? तो इसका ये हो जाएगा आपका वैशाली। क्या हो जाएगा? तो वैशाली। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में 1897 में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। तो कब? 26 अप्रैल 1858, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। बिहार में एक महान स्वतंत्रता सेना वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? वीर कुंवर सिंह 1857 विद्रोह था। कौन है? बिहार 1857 विद्रोह। कुंवर सिंह 1857 विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह किससे संबंधित है? यह हो जाएंगे जगदीशपुर से। कहाँ संबंधित है? जगदीशपुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण। ऑप्शन आपका डी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। कब किया था? 1908 में। कब किया गया था? 1908 में 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चौधरी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। गलती से बम दूसरी मगधी पर गिर गया, दो ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चौधरी पुलिस ने बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अगला क्या है? प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे? प्रभावती देवी जो थी आपके पटना से। कहाँ से हो जाएगी? पटना से। ऑप्शन आपका प्रभावती देवी पटना क्षेत्र स्वतंत्र संग्रामी थे। उन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जिले में कैद में रखा गया था? 1900 जिले में बांकीपुर जिला। कौन सा जिला? बांकीपुर जिला। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जिला में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? चंपारण नील आंदोलन का नेता राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सम्राट सालम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान प्रदान किया था। सम्राट सालम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल से, ये हो जाएगा 12 अगस्त 1765। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जगदीशपुर ने किस व्यक्ति को जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 विद्रोह का विप्लव के क्रांतियों पर नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1857 का क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? 1857 बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुंवर सिंह। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट से मिला लिया। अकबर ने बंगाल 1576 में कब मिला था? 1576। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार के किसान सभा का औपचारिक घोषणा कब किया गया था? बिहार का संसद 4 मार्च 1928 को कब किया गया था? 4 मार्च 1928। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने किस दास में बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? मोहम्मद गौरी ने कौन सा हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था। इन्होंने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस कर दिया। प्रसिद्ध आलमी विद्यालय में भी उसने नष्ट कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। बिहार में वैशाली में नगर वधु अम्रपाली किसके शासन कर रहे हैं? बिहार में वैशाली दिया हो जाएगा लिच्छवी। क्या हो जाएगा? लिच्छवी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 को। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सी। 9 मई 1800 सी हो जाएगा। बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने स्वतंत्र 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के गठन करने गया था। तो सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का बैठक में भाग लिया था। ये हो गया फणीन्द्रनाथ घोष। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था? यह हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? गया में। 1999 से 1900 मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1895 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? अंग्रेज का मेजर बारो। क्या हो जाएगा? मेजर बारो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ हो जाएगा? प्रसिद्ध केंद्र कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता का अनुपस्थित का अभाव क्या था? एकीकृत समुदाय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में वर्षशाली जाति नहीं थे। ये हो जाएगा कुर्मी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? यह आर्थिक स्थिति। क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किस सन में हुआ था? बिहार प्रांतीय 1929 में। कब हुआ था? 1929। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वतंत्रता बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किससे है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ, निम्नलिखित शहरों में एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? बढ़ई। क्या हो जाएगा? बढ़ई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
चीनी यात्री हेमसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये नालंदा में किया था। कहाँ पे किया था? नालंदा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कौन सा? नालंदा। 6 वर्ष नालंदा विद्यालय अध्ययन किया था। तृतीय बोध संगीति कहाँ है? तो तृतीय बोध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी बसाया था? पाटलिपुत्र की राजधानी कौन बसाया था? उदयन ने किया था। उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? यह हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस अखबार का प्रकाशन पटना में होता है तो इंडियन नेशन का। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जगत नारायण लाल को किस जिले में भेजा गया था? यह हो जाएगा आपका हजारीबाग जिले। क्या हो जाएगा? हजारीबाग जिले। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1897 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से शुरू किया था? यह हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं। अशोक के शासनकाल में बोध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? यह हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। एक बार सेशन को आप लोग जोर शोर से शेयर कर देंगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? बोध गया गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हरियक नरेश बेमिसार की राजधानी थी? हरियक नरेश बेमिसार की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। भारत में इस प्रथम सिक्के कहाँ चलने लाए गए थे? भारत में प्रथम सिक्के बिहार के उत्तरी पूर्व, बिहार के पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार के बिहार और उत्तर प्रदेश में। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के। किसका? झारखंड। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार प्राप्त 1912 में। कब हुआ था? 1912, 1 अप्रैल 1912 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? कौन? उदयन ने बसाया था। कौन बसाया था? उदयन। किस नगर में बोध प्रथम बोध सभा का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था राजगीर में। कहाँ किया गया था? राजगीर। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का, ये हो जाएगा घनानंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घनानंद। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। 1857 विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। यहाँ कहाँ पर? जगदीशपुर। कहाँ हो जाएगा? जगदीशपुर। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पटना में 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान थे। क्या हो जाएगा? हैदर अली खान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल। वो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? 1820-21 के दौरान। कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी को 1942 में धरपकड़ में बिहार के दंगे में से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? पटना। क्या हो जाएगा? पटना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1908 में छोटा नागपुर कास्बा अधिनियम में रोक लगाई गई थी बैठ बेगारी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गोरखा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद तथा गया और पटना जिला के भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। गोरखा गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहबाद पटना, ये हो जाएगा आपका 1917। क्या हो जाएगा? 1917। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 1917। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? 1912। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1912। नेक्स्ट है, बिहार अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बेगूसराय के चौकीदार कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय हो जाएगा सविनय आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय आंदोलन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश। ऑप्शन आपका डी। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार किसान आंदोलन के साथ है। बिहार किसान आंदोलन का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी सर्वप्रथम किसान आंदोलन से भाग लिया था। कौन सा किसान आंदोलन? हो जाएगा बारदौली। कहा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस
किस आंदोलन से भाग लिया था, हो जाएगा बारदोली। सबसे पहले बिहार में चंपारण कृषक से आंदोलन का किसानों की समस्या संबंधित है, कौन सा हो जाएगा, ये चंपारण होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी ने कौन सा किसान, चंपारण हो जाएगा। बिहार किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डॉक्टर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बी। अठारह विद्रोह का नेता बिहार के किसने किया था, अठारह कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था, कौन किया था, कुंवर सिंह। ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सौंपा अपनी राजधानी बसाया, पाटलिपुत्र में कौन उदयन बसाया था, कौन बसाया था उदयन। किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य सम्मिलित नहीं दिया, हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1882 में। कब किया गया था, 1882। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में, कब हुआ था 1936 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। छोटा नागपुर कास्तरी कानून कब प्रभावित हुआ, छोटा नागपुर कास्तरी कानून पारित हुआ 1908 में, कब हुआ था 1908 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1908। पटना का प्रांतीय राजधानी कौन था, राजधानी बनाया था सिरसा ने बनाया था, कौन बनाया था, सिरसा ने बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र संबंधित अधिक व्यापक थे, हो जाएगा आपका बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, अठारह विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, ये हो जाएगा आपका मुंगेर, कौन सा जो मुंगेर हो जाएगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल मुक्त बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुक्त बना हुआ था, किसका बना हुआ था, लकड़ी का, किसका हो जाएगा लकड़ी का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, तो उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संस्थानों ने 1855 से 56 में अपनी सरकारी घोषणा किया थे, भागलपुर का राजमहल। क्या हो जाएगा, भागलपुर का राजमहल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यह हुआ था 1934 में, कब हुआ था 1934। ऑप्शन आपके डी सी हो जाएंगे। सन 1966 से 86 में नील खेतों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करें तो चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। बताना है 1830 के दशक पटना नगर केंद्र कहाँ था, पटना नगर केंद्र वहावी आंदोलन का, किसका था, वहावी आंदोलन का था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों का दर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना का, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में, कब हुआ था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया गया, बिहार के विभिन्न नगरों में विस्फोटक, सही क्रम बताना है तो मुजफ्फरपुर पटना जहादी जगदीशपुर रोहिणी, मुजफ्फरपुर पटना जगदीशपुर रोहिणी। ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार में सुप्रसिद्ध संत सुबेदिनी मेन्नी का संबंध सूफियों किस धर्म से, ये हो जाएगा फिरदौसी से, किसका हो जाएगा फिरदौसी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाऊ स्तंभ, क्या हो जाएगा भाऊ स्तंभ। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। तो बिहार कौन सी नदी नहीं बहती, बिहार की कौन सी नदी नहीं बहती, तो गोमती, क्या हो जाएगा गोमती। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। बिहार में कौन जलप्रपात नहीं है, तो ये हो जाएगा हुंडरू, क्या हो जाएगा हुंडरू। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपके कोसी नदी हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। बिहार के जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है, तो बिहार का कौन सा जिला हो जाएगा, तो कैमूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्राह्योनी हिल बिहार किस जिले में स्थित, ब्राह्योनी हिल बिहार किस जिले में, तो इसका हो जाएगा गया, क्या हो जाएगा गया। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा, उत्तरी पश्चिमी, क्या हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिला में, सोन और गंगा में हो जाएगा पटना, कौन सा हो जाएगा पटना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर पांच पड़ोसियों से घिरा हुआ है, बिहार का कौन सा शहर पांच पड़ोसियों से घिरा हुआ है, इसका आंसर देखिए इनमें से कोई नहीं, बिहार के राज नालंदा जिले में राजगीर शहर है, यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ
जहाँ बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है। राजगीर पटना चट्टानी पहाड़ियों की इसका जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। राजगीर की पहाड़ी विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम बलिगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णपर्णी और भैरवगिरी है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नरसंचित क्षेत्र है? यह हो जाएगा भोजपुर। क्या हो जाएगा? भोजपुर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में प्रभावित होने वाले नदियों में कौन सा प्रथम होने वाला नदी? यह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में दक्षिण की ओर उत्तर और बहने वाली नदी सोन है, जो कि मध्य प्रदेश और कंडक निकल उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। विकल्प में दिए गए विप्रश उत्तर दक्षिण की ओर होता है। बिहार जिलों में किस जिले में पीडामेंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पीडमोंट मेकअप मिट्टी पाई जाती है? हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रशासनिक विभाग में जोड़ी में किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? यह हो जाएगा नहीं बहती है, यह हो जाएगा कोसी और मगध। बाकी दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत सारा गंगा नदी बहती है, लेकिन कोसी और मगध से नहीं बहती है। जयप्रकाश किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल, ये हो जाएगा आपका गंगा। कौन सा हो जाएगा? गंगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा बिहार में भूमर्मिक इतिहास संबंधित नहीं है? तो भूमर्मिक ये हो जाएगा बिहार का मैदान। क्या है? बिहार का मैदान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पुरानी जलोल मिट्टी बांगर या किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी बांगर मिट्टी जो है कि बांगर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का ये। पुरानी जलोल बांगर मिट्टी जो है पटना और गया। क्या हो जाएगा? पटना और गया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बताना है किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? किस स्थान पर? कुर्सेला में। कहाँ मिलती है? कुर्सेला मिलती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जिला धारवाड़ भूशास्त्रीय रचना वाली नहीं थी? यह हो जाएगा आपका रोहतास। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले पतझड़ है? घने पतझड़, यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार राज्य गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी थी? हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन आपका बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यह हो जाएगा कछारी मिट्टी। क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार निम्नलिखित हिस्सों में कौन सा ऐसा भूतात्त्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? हो जाएगा आपका आंसर रोहतास पठार। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्मिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़िया। क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़िया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती थी? हो जाएगा नवीन जलोढ़। क्या हो जाएगा? नवीन जलोढ़। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित? त्रिवेणी नदी गंडक पे। क्या हो जाएगा? गंडक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी बिहार में स्थित नहीं थी? अनुपम झील। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक? ये हो जाएगा सोन। क्या हो जाएगा? सोन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, कौन सा नदी को कोसी कहा जाता है? किसको कहा जाता है बिहार का शोक? कौन सा नदी हो जाएगा? तो आपका कोसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोसी। ऑप्शन आपका सी। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिहार में गौहत्या रोकने के लिए 1882 में इस वर्ष बिहार उड़ीसा 1936 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1936। छोटा नागपुर कास्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में। कब हुआ था? 1900। पटना का प्रांतीय नाम के प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। कौन बनाया था? शेरशाह ने। 1857 विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग नहीं था? यह हो जाएगा पटना और हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रमहल का लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? 12 है। कितना जिला है? 12 है। बिहार हिस्सा में भूचात्मक दृष्टि अपेक्षाकृत कौन है? रोहतास का पठार। क्या हो जाए? रोहतास का पठार। बिहार निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूचात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती थी? नवीन जलोह। क्या हो जाएगा? नवीन जलोह हो जाएगा। नवीन जलोह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य के साथ बिहार चलिए मैं इसका दूसरा पार्ट में बना दूंगा। मैं एक पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, दूसरा पार्ट में इस सारे क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।